हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं अपनी पेंसिल किस तरीके से शार्प करती हूँ बिल्कुल इस तरीके से पेंसिल शार्प करने के लिए हमें चाहिए पेंसिल और इस तरीके का आप कोई भी नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं मेरे पास कुछ दो नाइफ़ है आप देख सकते हैं आप चाहे तो ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी अदर नाइफ़ का जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ये स्टैंड पेपर है ये आपको किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा ये हर जगह अवेलेबल होता है ज़्यादातर बिगनर्स आर्ट लाइन पेंसिल का यूज़ करते हैं इसलिए मैं आर्ट लाइन पेंसिल को शार्प करूँगी और आर्ट लाइन पेंसिल में सबसे कम ग्रेड की पेंसिल होती है एच बी और सबसे ज़्यादा ग्रेड की टेन बी और एट बी की पेंसिल होती है उसकी लीड काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है तो हाँ हम दोनों पेंसिल शार्प करेंगे और चारकोल पेंसिल भी शार्प करेंगे तो सबसे पहले हम एच बी की स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बिल्कुल शुरू में इस नाइफ़ से पेंसिल को किस तरीके से शार्प करती थी अभी आप देखिएगा और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ यूज़ करना है बिल्कुल प्रेशर मत देना वरना जो लीड होती है पेंसिल की वो टूट भी सकती है बहुत सॉफ़्ट होती है लीड मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में इसी तरीके से पेंसिल को शार्प करती थी नाइफ से नाइफ का ही यूज़ करती थी बट बिल्कुल इसी तरीके से शार्प करती थी धीरे धीरे मैं कुछ इस तरीके से शार्प करने लगी हूँ जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट होते हैं फेस में आइज़ में बहुत छोटे छोटे पोर्शन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे ईजी लगता है इस तरीके से शार्प करके ड्रॉ करने में पेंसिल को नाइफ से शार्प करते समय बस यही ध्यान में रखना रहता है कि जब आप उसके वुड को शार्प कर रहे हो तो उसकी लीड में बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए सिर्फ आप उसके वुड में ही नाइफ़ का यूज़ करें वरना आपकी लीड जो है वो बहुत जल्दी टूट जाएगी और जिस पेंसिल को मैं शार्प कर रही हूँ मेरे ख्याल से इसकी वुड थोड़ी सी खराब है कुछ कुछ पेंसिल की कुछ साइड की वुड रहती है थोड़ी सी बट नॉर्मली सारी पेंसिल की नहीं होती है इसकी है थोड़ी सी बट वो साफ़ हो चुकी है अब आप देख सकते हैं मैं कंप्लीट पेंसिल को इसी तरीके से शार्प कर दूंगी नॉर्मली मैं अपने पेंसिल को इस तरीके से जब शार्प करना रहता है तो मैं बाहर जाके शार्प करके आती हूँ और उसके पूरे डस्ट को डस्टबिन में डाल देती हूँ ऐसे अपने टेबल में साफ़ करने से मेरा पूरा टेबल मैस हो जाता है पूरे टेबल के चारों तरफ वुड 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 रहती है आज आपको मैं अपना ड्राॅइंग टेबल ज़रूर दिखाऊँगी कि वो किस तरह से बिल्कुल मैस पड़ा रहता है फिलहाल तो मेरी पेंसिल बिल्कुल अच्छे से शार्प हो चुकी है नाइफ से अब हम इसकी जो पॉइंट है वो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी अब हम इसको इस स्टैंड पेपर में बिल्कुल अच्छे से रब कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से स्टैंड पेपर में रब करते जाइए पर हल्के हाथ से आपकी लीड टूट भी सकती है वरना आप देख सकते हैं हमारी पेंसिल में कितनी अच्छी पॉइंट आई है बिल्कुल बराबर उसके बाद हम पेंसिल की जो लीड है उसको साफ़ कर लेंगे ये काफ़ी अच्छी पॉइंट आ चुकी है हमारी लीड में और पेंसिल काफ़ी अच्छे से शार्प भी हो गई है बिल्कुल इसी तरीके से हमें पेंसिल शार्प करना है ये वाली ये अप्सरा की पेंसिल है ट्वेल्व बी इसकी लीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है एच बी की पेंसिल से और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है इसलिए इस लीड को बिल्कुल हल्के हाथ से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें शार्प करना होगा पेंसिल को ऊपर ऊपर से अच्छे से शार्प कर लेना चाहिए नाइफ़ से क्योंकि जब मैं अपने नाइफ़ से अप्सरा की इस पेंसिल को शार्प करती हूँ तो बहुत ज़्यादा फिसलती है इसलिए मैंने ऊपर के सारे हिस्से को अच्छे से शार्प कर लिया है पहले आप देख सकते हैं उसके बाद हम इसके वुड को शार्प करेंगे मुझे इतनी बड़ी लीड चाहिए तो मैं उतनी ही दूर शार्प करूँगी बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी वुड काफ़ी अच्छी है इसलिए एक बार में कितने अच्छे से शार्प हो जा रही है बी की जो लीड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है आप देख सकते हैं वो इतनी सॉफ्ट थी कि मैंने शार्प किया और वो टूट गई इसलिए बिल्कुल लीड जैसी आएगी ध्यान से शार्प करना पड़ेगा हमें ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना होगा बिल्कुल मैं एकदम ध्यान से अच्छे से आराम से शार्प कर रही हूँ पेंसिल को हमारी पेंसिल बिल्कुल अच्छे से शार्प हो चुकी है बिल्कुल हमें जैसे चाहिए थी आप दोनों पेंसिल के बीच में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं एच बी की लीड कितनी पतली है और ट्वेल्व बी की कितनी मोटी अब हम इसको भी बिल्कुल पहले वाली पेंसिल की तरह अच्छे से रब कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से एकदम हल्के प्रेशर के साथ अगर ज़्यादा प्रेशर का यूज़ किया तो इसकी लीड भी टूट सकती है मैं अपने फिंगर को बिल्कुल सामने रख के हल्के प्रेशर के साथ कर रही थी बट फिर से टूट गई इसलिए बड़े ग्रेड वाली पेंसिल ट्वेल्व बी टेन बी एट बी को बिल्कुल ध्यान से शार्प करना रहता है बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ वरना वो टूट सकती है इसकी भी जो पॉइंट है लीड की काफ़ी अच्छी आ चुकी है अब हम इसको क्लीन कर लेंगे किसी भी कपड़े टिश्यू पेपर कॉटन किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉइंट आ चुकी है हमारी लीड में दोनों पेंसिल में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉइंट आई है लीड में ये ट्वेल्व बी की है और वो एच पी की दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था उनकी लीड में अब हम शार्प करेंगे चारकोल पेंसिल को ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये चारकोल पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट पेंसिल से भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है इसलिए बिल्कुल इसमें हमें ध्यान दे के शार्प करना होगा मैं अपनी ड्राइंग में ज़्यादातर इसी चारकोल पेंसिल का यूज़ करती हूँ और मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल दिए चारकोल पेंसिल के ऊपर और काफ़ी सारे मेरे आर्ट वर्क भी है अगर आपने नहीं देखा है मेरे वीडियोस में जा आप देख सकते हैं चारकोल पेंसिल के सारे ड्राइंग और ट्यूटोरियल्स ये काफ़ी अच्छे से शार्प हो चुकी है आप देख सकते हैं जैसे हमने बाकी पेंसिल को शार्प किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी शार्प कर लिया है जब मेरी कंप्लीट पेंसिल शार्प हो जाएगी उसके बाद मैं आपको अपना ड्राइंग टेबल दिखाऊंगी। इस पेंसिल को भी हम बिल्कुल अच्छे से रब कर लेंगे मुझे इसकी लीड जो है वो अंदर से टूटी हुई लग रही है मेरे ख्याल से हाँ वो टूटी हुई है ज़्यादातर चारकोल पेंसिल अंदर से इसलिए टूटी हुई होती है क्योंकि जब आपकी पेंसिल किसी टेबल या कहीं से भी नीचे गिर जाती है तो वो अंदर से टूट जाती है मेन रीज़न तो यही होता है चारकोल पेंसिल का अंदर से टूटने का बाकी पेंसिल्स की तरह इसको भी हम स्टैंड पेपर में बिल्कुल अच्छे से रब कर लेंगे हल्के हाथों से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे आप देख सकते हैं इसकी पॉइंट भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है काफ़ी अच्छे से शार्प हो चुकी है दोनों पेंसिल्स ये टूवल बी की है और चारकोल पेंसिल दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं आप देख सकते हैं हमारी ड्राइंग बिल्कुल अच्छे से शार्प हो चुकी है किसी भी जगह डिटेल में वर्क करने के लिए इस तरह से शार्प करके ड्राइंग करना काफ़ी अच्छा होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है पेंसिल की ग्रेड क्या होती है एच बी ट्वेल्व बी टेन बी सिक्स बी तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी ये सारी पेंसिल के ग्रेड के बारे में हमारी जो पेंसिल है वो काफ़ी अच्छे से शार्प हो चुकी है ड्राइंग बनाने में भी काफ़ी अच्छा लुक देती है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है इस वीडियो में मैं आपको अपने ड्राइंग टेबल की हालत दिखाऊंगी कि वो कितने गंदे हो चुके हैं आप देख सकते हैं मेरा हाथ भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है इसलिए मैं अपने पेंसिल्स को बाहर जाके बिल्कुल अच्छे से शार्प करके ला देती हूँ और ऐसे शार्प करने के बाद मुझे बार बार शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती है अभी मैं आप लोगों को अपना ड्राइंग टेबल दिखाती हूँ कि वो कितना ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है और आप इसके जो वुड है आप देख सकते हैं पेंसिल के पूरे टेबल में फैल चुकी है आप देख सकते हैं इस तरीके से शॉप करने से ऐसे ही होता है ये मेरा मोबाइल स्टैंड है इसी स्टैंड में मैं अपना मोबाइल लगा के सारे वीडियोस को शूट करती हूँ ये है मेरा मिनी डस्टबिन जिसमें मैं फ़िलहाल के लिए अपने सारे कचड़े को रखूँगी जो कि हो चुका है तो अब मैं जा रही हूँ अपने इस मेस टेबल को साफ़ करने हमारा टेबल हो चुका है बिल्कुल ही साफ़ आप देख सकते हैं जब मैं अपने आर्ट वर्क बनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जब मेरे आर्ट वर्क कम्प्लीट हो जाते हैं तो मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ एक और चीज़ बाकी रह गई है साफ़ करने के लिए और मेरे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं तो फटाफट -फड़ साफ करके आते हैं आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट सब कुछ क्लीन कर लिया है इसी तरीके से जैसे मेरा आर्ट वर्क कम्प्लीट हो जाता है या मेरा वीडियो बन जाता है उसके बाद मैं अपने टेबल को बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ आपको भी करनी चाहिए मैंने टेबल के ऊपर एक पेपर बिछा के रखा है ताकि वो गंदा ना हो क्योंकि चारकोल पेंसिल एक बार लग जाता है तो वो जल्दी मिटता नहीं है और जल्दी साफ़ भी नहीं होता है आप देख सकते हैं मैं इरेज कर रही हूँ वो फिर भी नहीं हो रहा है अभी मैं अपने टेबल के सेटअप को चेंज करने वाली हूँ जैसे ही मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा मैं उसकी वीडियो बना के यूट्यूब में ज़रूर अपलोड करूँगी और मैंने जितने भी अपने आर्ट वर्क के कलेक्शन किए हैं उसकी भी वीडियो बनाने वाली हूँ फ़िलहाल तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आएंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग